मेरे प्यारे दोस्तों आपका प्रेमी आपका स्नेही एडवेंचर राइडर पंडित फकीर योगी वृद्र योगी आप सबों को अपना अनुभव बताना चाहता है प्यारे दोस्तों जिंदगी में अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो दुर्जनों की संगति से दूर रहिए एक दुर्जन व्यक्ति वो आपका पति हो पत्नी हो पुत्र हो पुत्री हो भाई हो बहन हो समाज का कोई भी व्यक्ति हो वो बिल्कुल एक भुजंग होता है अधसर अजगर करैत सांप जैसा होता है वो महामूर्ख होता है उसको पता ही नहीं है कि क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए उसकी जवान जवान एक हार मांस नहीं होता वो हो। वो बिल्कुल एक चमचमाता हुआ तलवार की तरह होता है जो कि इतना आपके हृदय और मस्तिष्क को वो आपको घातक करता है आपको इतना वो तरपा देता है इतना वो आपको परेशान कर देता है जितना कि एक बंदूक की गोली भी नहीं आपको तरपाता है तो प्यारे दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि सूरदास की काली कामरी न दूजो रंग छारी मन हरि बिमखन के संग जाके संग कु उपजाते हैं पद परत भजन में भंग छारी मन हरिभूमखंड के संग और आप एक बात जानते हैं जो आदमी जितना करीब आपको रहता है ना अगर वह ज्ञानी हो तो आपको ज़्यादा ही तरपाता हो बहुत तरपाता है हमारा दुर्भाग्य रहा कि कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन भाग गए जो हमारे जिंदगी को नरक बना दिया मैंने तो उनके ज़िंदगी को स्वर्ग से भी ज़्यादा स्वच्छ सम्मानित प्राकाष्ठा तक पहुँचाने की कोशिश की लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया अभी भी पा रहा हूँ निभाता ही चला जाऊँगा हर फिक्र को धुएँ में उड़ाता ही चला जाऊँगा क्योंकि सारे समय गुजर ही जाएंगे लेकिन मैं अपने महानता में कलंक नहीं लग ले दूंगा लेकिन दुख होता है मेरे भाई एक छोटी सी कहानी सुनो एक संत थे मेरी तरह गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की तरह और ये फकीर योगी बृंद्रजी की तरह वो किसी तालाब में या नदी में स्नान कर रहे थे तो वो धारा प्रवाह में एक भिक्षु डंक बिक्छू बहाता हुआ जा रहा था और जैसे मैं करुणा में हूँ जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबों से बेहद प्यार करता हूँ इसलिए मेरा नाम पंडित है तो उसको बचाने के लिए अपने हाथ में उठा लिए और सोचे कि इसको मैं बाहर किनारे लगा दूँ कि ये अपने कहीं जगह में चला जाएगा लेकिन जो ही उन्होंने अपने तलहती उसके पैर के नीचे रखे कि डंक मारा क्योंकि संस्कार ही वैसा है डंक मार दिया हाथ हिला कांप गया फिर गिर गया फिर दोबारा उठाया फिर मारा मारता ही चला गया ये पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी उठाता ही चला गया लेकिन बाद में उसका हाथ इतना बहरा हो गया डंक खाते खाते कि वो उसको उठा के किनारे लगा दिया सुन हो जाता है मनुष्य दुष्टों की संगति में प्यारे दोस्तों सुकरात भी ऐसा ही था उसकी पत्नी उसकी पत्नी इतनी दुष्ट व्यक्ति थी कि उसके जीवन को नरक बना दिया था लेकिन अपने शांत स्वभाव से उसको झेलते ही जा रहे थे झेलते ही जा रहे थे झेलते ही जा रहे थे जिंदगी में हेलते ही जा रहे थे क्योंकि समझ रहे थे कि हमारा आपका उत्तरदायित्व अपने जीवन को अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करने की हम दूसरों के जीवन को और उसके विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते हर व्यक्ति अपने जीवन का खुद जिम्मेदार होता है अच्छाई बुराई भला विचार सब उसके अपने संस्कार से आता है और उसी से उसे ज़िंदगी में दुख और सुख प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों मैं शांति ओम शांति में रहता हूँ इसीलिए शांति हमेशा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है और ये शांति भवन है शांति आश्रम है और यहाँ देखिए ओम शांति लिखा है ऊपर ओम शांति इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप जिंदगी में सुख सुविधा चाहते हो तो दुर्जनों से दूर रहो भाई छारिमन हरि बुमखन के संग जाके कुपुजुप उपजाते हैं परत भजन में भंग छारिमन हरि बुमखन के संग सूरदास की काली कामरी चरत ने दूजो रंग अभी अभी मैंने एक व्यक्ति से बहुत ही प्रेम से कुछ बात करना चाहा लेकिन ऐसा विश्वान जवान से चला भैया कि मूर्छित हो गया अरे भैया वानी तो अनमोल है जे बोल हीरा तो दामो बिके वानी के नहीं मोल ये वचन है ना ये बोलने की जो एक कला है वो सबसे उत्तम है काका काके देत है कोयल क्या के लेत एक मधुर सुनाए के सबके हृदय जीत लेत और दूसरे कठुबानी से हृदय में बान मार देत देखो कौवे और कोयल में अंतर इतना ही है न कोई खुशी को देता है न लेता है तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको सुतल करे, शीतल करें आप शीतल हो मधुर वाणी मधुर बोलिए सत्य बोलिए प्रेम से बोलिए लोगों से प्यार करना सीखो यही मेरा वचन है धन्यवाद